सांस्कृतिक विरासत और इसके प्राचीन इतिहास हम सभी को गौरव से भर देता है। हमारे यहाँ प्रचुर संसाधन, समृद्ध जैव विविधता, सघन वन, सुंदर प्रकृति, सुंदर जनजीवन और उत्कृष्ट मानवीय मूल्य, ये सब हमारे पुरखों के आशीर्वाद के रूप में हमें मिले हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इन्हें सहेजें, संवारें और अपनी इस धरती को समृद्ध बनाएं। शिक्षा और नवाचार ही छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर स्थापित कर सकता है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमारी सरकार ने लगातार इन्हीं विषयों पर फोकस होकर काम किया है। हमने आप लोगों को शिक्षा के उत्कृष्ट वातावरण, स्वास्थ्य सेवाएं, उत्कृष्ट व्यवस्था की है, राज्य के संस्कृति को सहेजा है। आदरणीय साथियों, आज बहुत सारे रोजगार के बारे में हमारे कुलपति जी ने आपसे बात की। अभी हम लोगों ने हाल ही में करीब 42,000 पदों की भर्ती प्रारंभ की है। उसके साथ साथ बहुत सारे औद्योगिक विकास भी किए हैं जिससे रोजगार सृजन हो सके, साथ ही जो स्वयं के उद्यम लगा बहुत बड़ा अवसर रीपा के। तो आदरणीय साथियों, आप सबको एक और बात, जो बेरोजगारी भत्ता भी प्रतिमाह देने की शुरुआत की है, तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाएं। हम सब के योगदान उसमें अपनी भूमिका सबकी होनी चाहिए और इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, साथ ही आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। साथ ही गुरु घासीदास जी को नमन करता हूं जिन्होंने सत्य का रास्ता दिखाया और जिन्होंने मनखे मनखे एक समान का पूरे मानवता को संदेश दिया। इस अवसर पर विशेष रूप से उसे नमन करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।